भारत जहाँ के कण कण में रचती बसती है, यहाँ की संस्कृति, परंपराएं, लोक कलाएं और संगीत जो अनादि काल से चली आ रही हैं, विश्व का कोई ऐसा देश नहीं जो संस्कृति और सभ्यता का इतना धनी हो। भारत की भूमि पर आपको विभिन्न प्रकार की संस्कृति और सभ्यता का एक अनूठा संगम मिलेगा। बहु संस्कृति एवं विविध कलाओं वाले इस देश की जीवन पद्धति यहाँ के प्राचीन वेदों, पुराणों, ग्रंथों और शास्त्रों से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि संस्कृति, परंपरा और लोक कलाओं का दर्शन जितना भारत में देखने को मिलता है उतना और कहीं नहीं। प्राचीन काल से ही यहाँ के साहित्य और शास्त्रों में मानव सभ्यता को सुंदर, सुखमय, शांतिमय और कलामय बनाने का सार मिलता है। यदि पोशाक और श्रृंगार की बात करें तो इसमें महिलाओं का वर्चस्व ज्यादा रहा है, लेकिन साथ ही पुरुष भी वेश परिवेश की कड़ी रहे हैं। भारतीय सभ्यता में यदि हम पुरुषों के वेश परिवेश की बात करें तो जहन में सबसे पहले यहां मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्रतीक पगड़ी का ख्याल आता है, और पगड़ी की बात करें तो सबसे पहले नाम राजस्थान का आता है। राजस्थान का इतिहास यहाँ के संघर्ष, त्याग, बलिदान और स्वाभिमान की कहानी बयां करता है। यहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में पगड़ी की क्या भूमिका रही है, इसको जाने बगैर यहाँ की संस्कृति के दर्शन या फिर उसका आकलन कर पाना संभव नहीं है। तन को सजाने और मन को लुभाने वाली ये पाग पगड़ियां यहाँ के सांस्कृतिक धरातल से जुड़ी हुई हैं। अगर इस मरु की वजह से वातावरण की हवा सिर को और संरक्षित रखने के लिए जोधपुर के मेहरानगढ़ में पगड़ी के लिए एक विशेष संग्रहालय बनाया गया है। जिसमें उन सभी ऐतिहासिक, धार्मिक और जाति की पहचान कराने वाली विभिन्न पाग पगड़ियों को रखा गया है जो हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपरा का बखान करती हैं। जिसे देखकर देश विदेश से आने वाले पर्यटक यहाँ के प्राचीन इतिहास और सभ्यता से परिचित हो सकें।
संग्रहालय के भीतर विभिन्न प्रकार की अलग अलग क्षेत्रों की पागें और पगड़ियां हैं, जो वहां की रंग बिरंगी संस्कृति को दर्शाती हैं। राजस्थान अपनी आन बान और शान के लिए देश विदेशों में जाना जाता है। कई चीज़ें हम जाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो विदेशी पर्यटक या विदेशी लोग भी हमसे जानना चाहते हैं कि ये रंग बिरंगी क्या परंपरा है। हर जगह पे, हर शहर में, हर गांव में एक ही जो समाज है उसमें अलग अलग तरह की पगड़ियाँ क्यों क्यों होती है। तो ये सौभाग्य मुझे अचानक ईश्वर की कृपा से मिला कि मैं इस परंपरा पे काम करूं। 1982 जब मेहरानगढ़ म्यूज़ियम ट्रस्ट मैंने ज्वाइन किया और हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी महाराजा गज सिंह जी द्वितीय, उन्होंने उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि मुझे ये विलुप्त होती परंपरा जो पगड़ियां हैं मारवाड़ की, उनका संरक्षण करना चाहिए, उनका कलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि ये परंपरा दिन दिन कम होती जा रही है। उस समय मेरे लिए, मैं नया नया कॉलेज छोड़ के आया था, 25 वर्ष की आयु थी, मुझे लगा कि क्या पगड़ियाँ इकट्ठी करनी और गांव-गांव से लाना, मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। फिर भी बिना मन के मैंने ये पहला प्रोजेक्ट शुरू किया और कुछ डिस्ट्रिक्ट, 3-4 डिस्ट्रिक्ट, जालौर, बाड़मेर, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए मैंने मानस बनाया कि मैं जिस जगह पे गया वहाँ पर जिस जाति के लोग मुझे मिले उनको मैंने पूछा, उनके चॉइस से, उनकी परंपरा के अनुसार कौन सी पगड़ी, कौन सा फैब्रिक, कौन सा मटेरियल, कौन सा रग उनको बांधा जाता है, मैं खुद उनके साथ बाज़ार गया, वो पगड़ी खरीदी और इस तरीके से हर जाति का मुझे ऑथेंटिक जो मटेरियल था ईश्वर की दया से मुझे प्राप्त हुआ और पगड़ियों को अलग अलग जो जाति वालों से बंधवाया और हाथों हाथ उसमें ज़्यादा कड़प लगवा कर उसको स्टिच करवाया और वो संरक्षण जो पगड़ियों का हुआ वो आज तक मेरे पास सुरक्षित है। विभिन्न रंगों और आकृति वाली ये पगड़ियाँ अपने पेचों में राजस्थान की पुरातन संस्कृति और अनेकों मान्यताओं को लपेटे हुए हैं। ये पगड़ियां जहां एक ओर यहां के राजा महाराजाओं के ऐश्वर्य, वीरता और शान को दर्शाती हैं, वहीं दूसरी ओर सामान्य वर्ग के शुभ अवसरों जैसे शादी विवाह, तीज त्योहार आदि पर प्रयोग में लाई जाने वाली अलग अलग तरह की ये आकर्षक पागें और पगड़ियां उनकी खुशियों को भी अभिव्यक्त करती हैं, जिन्हें देखते ही मन में हर्षोल्लास का संचार होता है। संग्रहालय की ये पगड़ियां समाज के उन सभी वर्गों जैसे राजपूत, गडरिया, सुनार, लोहार और व्यापारियों आदि के जीवन स्तर के विभिन्न रंग रूपों को दिखाती हैं। राजस्थान की जीवन शैली और यहाँ की संस्कृति की झांकी दिखाती ये पगड़ियाँ हमारे तन को ढकने के साथ साथ हमारी सामाजिक व्यवस्था में श्रृंगार और सौंदर्य को बढ़ाने वाली पोशाक का अंग हैं। पगड़ी के इस पारंपरिक व्यवसाय में आज बस कुछ चुनिंदा लोग ही बचे हैं जो अपने पुरखों के जमाने से चली आ रही इस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। पगड़ी बनाने और इसे रंगने वाले विरासत में मिली इस कला को बनाए रखने और उसे नई पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए
युवाओं को पगड़ी बांधने की शिक्षा मुफ्त देते हैं। मैंने जो है पिछले एक साल से जोधपुर में निशुल्क साफा सिखाने का एक अभियान उठाया था और काफ़ी लोगों को निशुल्क साफा सिखाता हूँ मैं, आदमी कोई शुल्क नहीं लेता हूँ उससे, इसलिए कि या तो कम से कम आदमी में एक इस संस्कृति को बरकरार रखने की भावना रहो, वो नहीं रहे तो कम से कम शायद हो सकता मेरे जैसे कोई बेरोजगार हो उसको एक रोजगार का जरिया मिले, वो अगर साफा सीख भी ले, मैं यहाँ बैठा हूँ कहीं दूसरी जगह जाके बैठे हो तो दिन में जो है 400-500 रुपये अपनी मजदूरी बना लेता है। ये पीछे मैंने लगातार मेरे परिवार में सब लोगों को मैंने तैयार किया, मेरा बच्चा 13 साल का वो जोधपुर में सबसे स्पेशलिस्ट है साफे बांधने में, उसको भी करीब 10 प्रकार के साफे बांधने आते हैं। साफा बांधना मुझे बहुत अच्छा लगता है और जो हमारी दुकान में छोटे बच्चों के लिए साफे बनाने आते हैं उनके लिए सभी साफे मैं बांधता हूँ। मैं हमारे स्कूल में 26 जनवरी और 15 अगस्त में जो कॉम्पिटिशन होते हैं वहाँ पर उन बच्चों को साफा बांध कर बताता हूँ, और जो दूसरी जगह से बच्चे आते हैं जिन्हें साफा बांधना नहीं आता उन्हें मैं साफा बांधना सिखाता हूँ। मैं अभी फिलहाल तो 8th क्लास का स्टूडेंट हूँ तथा मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर ना तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ना ही इंजीनियर और ना ही टीचर। मैं जोधपुर में एक साफों का बहुत बड़ा शोरूम खोलना चाहता हूँ और जिसका राजस्थान में और पूरे वर्ल्ड में नाम हो। राजस्थान में बच्चों को पगड़ी परंपरा को अपनाने और प्रेरित करने के लिए कई स्कूलों में सप्ताह में एक दिन पगड़ी पहन कर आना अनिवार्य कर दिया गया है। और साथ ही विद्यालयों में समय समय पर पगड़ी बांधने की प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, जिससे कि बच्चों में अपनी इस पुरानी धरोहर के प्रति रुचि जागृत हो और वे इसे अपनाकर प्राचीन काल से चली आ रही विरासत को सहेज कर रख सकें और उसे आगे बढ़ा सकें। पगड़ी के इस जागरूकता अभियान में अध्यापक भी एक आदर्श प्रस्तुत करते हुए प्रतिदिन पगड़ी पहनकर आते हैं और पगड़ी से जुड़े इतिहास और गुणों की जानकारी बच्चों को देते हैं। आपको एक और बात बता दूं मैं कि ये सफेद जो साफा पहनते हैं स्त्री लोग, ये शांति का सूचक भी है और साथ ही साथ अपन के जो राजस्थान है वह मरु क्षेत्र है और मरु क्षेत्र के अंदर जो कि यहाँ पे धूप है, गर्मी है, बहुत ज्यादा पड़ती है।
डोग तो ऐसे भी हैं जो विभिन्न प्रकार की पगड़ियों को हाथ की उंगलियों पर बहुत छोटे छोटे आकार में बांधकर अपनी अनुपम कला का प्रदर्शन करते हैं। कला के लिए इनका न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में मान सम्मान हुआ है। राजस्थान की शान पगड़ी ने यहां के लोगों को समय समय पर उनके स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की याद दिलाई और उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा दी। राजस्थानी साहित्य में भी किसी ना किसी प्रकार यहाँ के जीवन से जुड़ी पगड़ी की सजावट, प्रतिष्ठा और उससे जुड़ी मानवीय संवेदनाओं के दर्शन होते हैं। राजस्थान की पगड़ी ने हिंदुस्तान के इतिहास में भी अपना महत्व रखा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वृतांत हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के साथ जुड़ा हुआ है। शहीद भगत सिंह के चाचा किशन सिंह जी सरदार ने जो नारा दिया था, पगड़ी संभाल जट्टा, इस पगड़ी संभाल जट्टा के एक पगड़ी के नारे से संपूर्ण कौम एक हो गई थी और सभी भारत माता के सपूतों के रगों में खून खोल उठा था और सबने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली थी। पगड़ी में वो स्फूर्तिदायक ताकत है, वो क्षमता थी जिसके कारण संपूर्ण हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई को पगड़ी संभाल जट्टा के नारे से जोड़ करके और पूरे हिंदुस्तान के आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन को खड़ा कर दिया गया था, आंदोलित कर दिया गया था और देश के हर युवक के दिमाग में इस पगड़ी के नाम पर अपनी पगड़ी को ऊपर रखने के लिए प्रयासरत रहे और हिंदुस्तान को आज़ादी मिलकर कही रही। राजस्थान में पगड़ी लोक अखाणों में भी पगड़ी पहनने वाले व्यक्ति की दशा को चित्रित करती है, बताती है। एक जगह राजस्थानी साहित्य में वृतांत मिलता है कि कुएं पर पानी सींचने वाली महिला से जब बनानी पानी पीने के लिए पानी मांगता है, अफीम का बनानी, तो उसकी पगड़ी की स्थिति को देख करके और वो महिला उसे बनानी के नाम से संबोधित करती है और राजस्थानी पंक्तियाँ इस प्रकार से है। गाबड़ थारी ढीली ढाली और पागड़ थारी रेलाणी, गर्दन थारी डुलती लागे जद मैं जानियो बनानी। अर्थात उस आदमी का जो चेहरा है वो लटका हुआ है और उसके सिर की पगड़ी जो है उसके आंटे उथल पुथल है, एक दूसरे से बिखरे हुए हैं और सही तरीके से पगड़ी उसकी बंधी हुई नहीं है। उसको अफीम के नशे में इतना कायल है, अफीम उतरा हुआ है कि उसको अपनी पगड़ी का भान ही नहीं है। उस पगड़ी की स्थिति को देख करके उस व्यक्ति की पहचान हो जाती है। पगड़ी परंपरा के दर्शन न सिर्फ हमें यहाँ के आम सामान्य वर्ग और विशेष जातियों में होते हैं बल्कि यहाँ के कार्यालयों आदि में भी पगड़ी देखी जा सकती है, जहाँ पर कर्मचारी अपनी इस पुरातन धरोहर को पहनकर इस गौरवमयी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। गुलाबी गदीरा बन्ना सा
राज दरबारों द्वारा संचालित इन ऐतिहासिक इमारतों में ये कर्मचारी अपनी पारंपरिक वेशभूषा के माध्यम से देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और अपनी इस अनुपम संस्कृति से परिचय करवाते हैं। राजस्थान में जो लोक सांस्कृतिक फंक्शन हो, सरकारी हो, गैर सरकारी आयोजन हो, उसमें अभिनंदन या सम्मान का एक सिंबल बन गई पगड़ी, और पगड़ी के बगैर इस प्रकार का कोई कार्यक्रम पूरा नहीं होता। पगड़ी की परंपरा है, उसको हम चाहते हैं कि संरक्षण मिले पूरा पूरा और प्रोत्साहन मिले। उसके लिए हमारा ये प्रयास है कि जो सरकारी, गैर सरकारी, सांस्कृतिक, सामाजिक और तरह के जो आयोजन हों, उनमें इस परंपरा को प्रोत्साहित किया जाए, और इसके लिए जो लोग ये प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाए, और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मेवाड़ की पगड़ी, उसकी परंपरा आगे अक्षुण्ण बनी रहे और नई पीढ़ी है उसको अंगीकार करे। मेवाड़ में जो पगड़ी है वो हमारे पुरखों की आन बान और शान का प्रतीक रही है, और यह शौर्य, पराक्रम और उल्लास की कई सारी गाथाओं का एक जीवंत प्रमाण है। आज महाराणा प्रताप जो प्रातः स्मरणीय है, वो मुगलों के सामने कभी उन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की और उनकी पगड़ी कभी झुकी नहीं। यही वजह है कि आज भी महाराणा प्रताप इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम अंकित है। इन सांस्कृतिक केंद्रों में आने वाले पर्यटकों को यहाँ की मिट्टी से जोड़ने के लिए लोकगीतों, करतबों आदि का आयोजन किया जाता है, जिसमें पगड़ी के विभिन्न रंग रूप देखने को मिलते हैं।